बहुत बहुत धन्यवाद से निवेदन करता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का टोपी और शॉल पहना करके स्वागत करें। और मैं लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन कंगना रनौत से निवेदन करता हूँ, आप कुछ कली देकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अनिल शर्मा जी से निवेदन है कि हमारी देव प्रतिमा समृद्धि चिन्ह के रूप में आदरणीय मोदी जी को भेंट करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आपका सहयोग करेंगे, अभिनंदन करें। राज्य के सांसद की तरफ से मोदी राज्य में दूर दूर से आए आप सभी मेरे परिवारजनों को प्रणाम। सपोर्ट शरीर में सभी के लिए पुरानी यादें भी बहुत ताज़ा हो जाती हैं। मैं आपके बीच में और लंबे समय तक आ रहा हूँ, हम लोग उस समय दूसरे नेताओं के लिए मम्मा आप पता नहीं खुद पानी के एक ही आवाज आ रही, एक ही गुण सुनाई दे रही। फिर एक बार भाई और बहनों, पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ हिमाचल में जो निर्णय हुआ उसे इतिहास कर जाता है। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, पालमपुर में हुआ था, यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है।
हिमाचल में लिया गया वो ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका। 500 साल का ये इतिहास, 500 साल तक अभी तक संघर्ष कर रहा है, इतनी पीढ़ियों ने इंतजार करते करते अपना जीवन बता अब 500 साल का इंतजार खत्म किसने किया? ये इंतजार खत्म किसने किया? इस इंतजार को खत्म किसने किया? जरा आवाज तभी भी लग रही है। किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब 100% गलत है। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक दोस्त ने, ये आपके वोट की ताकत है जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में राम लला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद करता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती, कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनेगी। ये आपके वोट की ताकत है साथियों। आपके वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके वोट ने हिंदू सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला ये एक कानून बनाया। आपके वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दिलवाई। आपके वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भाइयों बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी है। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार 3री बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए
वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहते हैं, वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं। और इसलिए कांग्रेस कह रही है अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाए। कांग्रेस कह रही है ये तो खत्म हो, कांग्रेस के साथी तो यहाँ तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना वो भी हम खत्म कर दें, चुनाव में घोषणा कर रहे हैं। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है, भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है, कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन दे, क्या देश को हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाई और बहनों, कांग्रेस गोर सांप्रदायिक है, कांग्रेस गोर जातिवादी। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर जीते थे, इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं, जिससे आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान, आज भारत का भविष्य देश में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान हैं, आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां, आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये विश्वास को रिप्रेजेंट। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई, आपने देखा अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही, मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, माँ ज्वाला, माँ चिंतपूर्णी, माँ भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा मान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने हिंदी माँ पुस्तक नहीं मानी। क्या आपका ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस अभी भी 21वीं सदी में नहीं आ पाएगी। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है, ये 20वीं सदी की तरफ, 19वीं सदी तरफ जा रही है। कांग्रेस का शाही परिवार
घोर बेटी विरोधी, पूरी कांग्रेस घोर महिला विरोधी। लेकिन हिमाचल के मेरे परिवारजनों, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, सुरक्षित माहौल देने और नई बुलंदियां देने की गारंटी हम मोदी गारंटी। सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए। मैंने सेना में बेटियों के लिए जो दरवाजे पहले बंद थे वो खोल दिए। 10 साल में केंद्रीय बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुने से अधिक हो, फाइटर पायलट हो या फिर पैसेंजर जहाजों की पायलट, बेटियों के लिए आने वाले 5 साल बुलंद उड़ान के होने वाले और ये देना पत्रकार मेरे बाइक को भी सेव करके रख लेना। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, यहाँ जैसे सरकार ने जितने वादे किए थे ना उनका काम नहीं, और इसलिए कहता हूँ मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना और ताला लगाना ही आता, कहाँ पर हिमाचल में लाखी और कहाँ सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ताला लगा दिया, और उन्होंने सिर्फ